दोस्तों मनी इन द बैंक 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले मेंस लैडर मैच के विनर कोडी रूड्स हो सकते हैं और इसके अलावा रसलमेनिया 39 के टॉप मैचेस को लेकर विंस मैकमैन ने एडवांस में बड़े प्लान्स बनाए हैं। इसी के साथ रोमन रेंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का जो मैच मनी इन द बैंक के लिए रूमर्ड था वो मैच कैंसिल हो चुका है और इसके पीछे एक खास रीजन WWE का सामने आया है। तो जानेंगे इन सभी अपडेट्स को डिटेल में, इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विंस मैकमैन के प्लान के बारे में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रसलमेनिया 39 को लेकर विंस मैकमैन ने एडवांस में प्लान बनाया है और रसलमेनिया में जो टॉप मैचेस विंस मैकमैन ने कंफर्म किए हैं, सेट किए हैं, उन मैचेस में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का कोई भी रोल नहीं होगा। और जो WWE कुछ टाइम पहले एक वीडियो पैकेज जिसमें कोडी रूड्स को फीचर किया गया था, उसमें WWE ने एडवर्टाइज किया था कि जो बंदा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतेगा वो सुपरस्टार रसलमेनिया के मेन इवेंट में अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर सकता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आई है कि रसलमेनिया 39 के लिए विंस मैकमैन ने प्लान बना लिए हैं और उन प्लान्स में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का कहीं भी रोल नहीं है। और अब बात करते हैं मनी इन द बैंक 2022 के मेंस लैडर मैच के विनर की। तो अभी हाल फिलहाल में कोडी रूड्स ने बताया कि 2012 और 2013 में WWE ने कोडी रूड्स के लिए प्लान बनाए थे कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीते, लेकिन एकदम एंड में आकर WWE ने वो प्लान्स ड्रॉप कर दिए, कैंसिल कर दिए। लेकिन अब कोडी रूड्स रिटर्न आ चुके हैं और इस टाइम कोडी रूड्स कंपनी के टॉप सुपरस्टार है और यहाँ पर कोडी रूड्स का टारगेट WWE चैंपियनशिप को जीतना है। तो हो सकता है दोस्तों मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच में कोडी रूड्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत ले और फिर समर स्लैम या फिर सर्वाइवर सीरीज में अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके WWE टाइटल को जीत ले। वैसे आपके हिसाब से मनी इन द बैंक 2022 का मेंस लैडर मैच किसको जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंग्स के मनी इन द बैंक में होने वाले मैच की। तो आज स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने एक के बाद एक सबको हरा दिया है, स्मैश कर दिया है और अब उनके सामने कोई भी अपोनेंट नहीं है। जिसके बाद अपडेट्स आ चुकी है कि रोमन रेंग्स वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मनी इन द बैंक में होने वाला मैच WWE ने कैंसिल कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है और अब ड्रू मैकइंटायर वर्सेज रोमन रेंग्स का मैच ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन UK में होगा, जब UK में क्लेश ऑफ द कैस्टल लाइव इवेंट होगा तब WWE रोमन रेंग्स वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मैच करवाएगी और इसीलिए WWE ने मनी इन द बैंक में रोमन रेंग्स वर्सेज ड्रू मैकइंटायर के मैच को कैंसिल कर दिया। वैसे शिंस्की नाकामुरा मनी इन द बैंक में रोमन रेंग्स के अपोनेंट हो सकते हैं फॉर द WWE अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से रोमन रेंग्स का मनी इन द बैंक में अपोनेंट कौन होगा, कॉमेंट करके मेंशन कर सकते हो। तो ये थी अपडेट की वीडियो। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करना। इसी के साथ कॉमेंट करके अपने थॉट्स इन अपडेट्स पर जरूर मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट रसलिंग न्यूज इन हिंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।